तो इसका दो उद्देश्य है कि एक तो हमारे इनरव्हील की ब्रांडिंग होती है, लोग हमारे इनरव्हील को ऑर्गेनाइजेशन को जानते हैं, और दूसरा इससे जो हमारे पास में फंड्स कलेक्ट होता है वो हम पिछले 2 साल से हमारा दो उद्देश्य हम कवर कर रहे हैं। एक तो पर्यावरण के रक्षा के लिए हम कार्य कर रहे हैं कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक के लिए, और दूसरा जो अभी कैंसर जो बहुत उग्र रूप से चल रहा है लोगों के अंदर कैंसर, तो निम्न वर्ग के जो महिलाएं होती हैं वो स्पेशली कभी भी अपने खुद के ऊपर ध्यान नहीं देते। ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर के ऊपर जो लड़कियां हैं, औरतें हैं, लेडीज़ हैं, वो कभी अपना ध्यान नहीं रखते। तो उसके जागरूकता के लिए और सर्वाइकल कैंसर का इम्यूनाइजेशन के लिए तो मेन हमारा है कि भाई ब्रेस्ट कैंसर, क्योंकि हम एग्जामिनेशन करेंगे तो हम उसको रोक सकते हैं, एक सीमित जल्दी अगर हमको डिटेक्ट हो जाता है तो हम उसको रोक भी सकते हैं। तो जी आज यहाँ विजय लक्ष्मी पार्क में इनोवील क्लब के द्वारा फेट लगाई गई है शॉपिंग कार्निवल। इसमें मेरा क्रोशे का स्टॉल रहता है बियॉन्ड थ्रेड्स के नाम से। इसमें हमारे क्रोशे फ्लावर्स हैं, टॉप्स हैं, बैग्स हैं, कार्डिगन्स हैं, भगवान की पोशाकें हैं और बाकी और भी सामान होता है। ये विजय लक्ष्मी पार्क में लगाई गई है, ये आज के लिए ही है, सिर्फ 18th of October टिल 10 PM। हाँ जी, ये हर साल लगाई जाती है। इसमें मोस्टली विमेन ओरिएंटेड स्टॉल्स ही लगते हैं, तो ज्यादातर विमेन ने ही लगाए हैं। हमारा एक दिवसीय इवेंट है जो कि हम हर वर्ष पिछले 9 साल से हम लगा रहे हैं। ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन है इनरव्हील क्लब ऑफ अजमेर। ये अंतर्राष्ट्रीय हमारा ऑर्गेनाइजेशन है और पिछले 70 साल से हमारा ये ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में चल रहा है। तो ये हम अजमेर में पिछले 10 साल से लगा रहे हैं। ये 10वां एग्जीबिशन हमारा विजय लक्ष्मी पार्क में है। दिवाली के पहले हम ये लगाते हैं जहाँ हमारे विभिन्न प्रकार के स्टॉल्स लगते हैं, और ये हमारे अलग अलग शहरों से आए हैं। जोधपुर है, भीलवाड़ा है, अहमदाबाद, जयपुर, अजमेर, कोटा, तो सब जगह से ये स्टॉल्स हमारे। इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है और मतलब तो इसका दो उद्देश्य है कि एक तो हमारे इनरव्हील की ब्रांडिंग होती है, लोग हमारे इनरव्हील को ऑर्गेनाइजेशन को जानते हैं, और दूसरा इससे जो हमारे पास में फंड्स कलेक्ट होता है वो हम पिछले 2 साल से हमारा दो उद्देश्य हम कवर कर रहे हैं। एक तो पर्यावरण के रक्षा के लिए हम कार्य कर रहे हैं कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक के लिए, और दूसरा जो अभी कैंसर जो बहुत उग्र रूप से चल रहा है लोगों के अंदर कैंसर, तो निम्न वर्ग के जो महिलाएं होती हैं वो स्पेशली कभी भी अपने खुद के ऊपर ध्यान नहीं देते। ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर के ऊपर जो लड़कियां हैं, औरतें हैं, लेडीज़ हैं, वो कभी अपना ध्यान नहीं रखते। तो उसके जागरूकता के लिए और सर्वाइकल कैंसर का इम्यूनाइजेशन के लिए तो मेन हमारा है कि भाई ब्रेस्ट कैंसर, क्योंकि हम एग्जामिनेशन करेंगे तो हम उसको रोक सकते हैं, एक सीमित जल्दी अगर हमको डिटेक्ट हो जाता है तो हम उसको रोक भी सकते हैं। तो इस कारण से ये जागरूकता फैलाने के कारण हम हमारा मेन उद्देश्य है कि हम कैंसर अवेयरनेस स्प्रेड करें लोगों में, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जांच कराएं और इससे सुरक्षित रहें। मुख्य अतिथि हमारे जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं हमारे क्लब के, जो डिस्ट्रिक्ट मेंबर्स भी रहे हुए हैं, तो उन्होंने ही हमारे क्लब का आज के फेट का उद्घाटन किया है। मिसेस शशि भार्गव, कैल्योपी जैन, रीना अग्रवाल, और फिर जो हम जो कार्यकर्ता हैं भावना बंसल, रीना अग्रवाल, हमारी अंजना बोगावत, हमारी सचिव जो है पूर्णिमा तोशनीवाल, एंड हमारी प्रेसिडेंट इशिता कोठारी, मैं रीना। ये विजय लक्ष्मी पार्क में आज इनोवील चैरिटी क्लब जो हमारा है उसकी एग्जीबिशन रखी गई है, और ये हम हर साल का हमारा एक आयोजन होता है। इसमें हमारे क्लब की ब्रांडिंग भी होती है और हमको फंड्स भी इकट्ठे जो करने होते हैं वो हम इसी के थ्रू करते हैं। क्या उद्देश्य मैडम? इसका उद्देश्य ये होता है, लोगों को जानकारी होती है इनरव्हील क्लब के बारे में, और हम जो आज कर रहे हैं उसका हमारा उद्देश्य है कैंसर अवेयरनेस के बारे में। कैंसर जैसी जो बीमारी है उसके बारे में लोग जागरूक नहीं हैं, लोग अपने चेकअप नहीं कराते हैं। अगर चेकअप कराते हैं तो उसके बाद इनिशियल जो मेडिकेशन होता है वो नहीं लेते हैं, तो उसके हम जागरूकता के कैंप लगा रहे हैं। और जो महिलाओं में विशेषकर जो उनके अलग अलग अंगों में जो सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर होते हैं, हम उनके कैंप्स लगा रहे हैं। जो अपने समाज में इतना अभी ओपन नहीं हुआ है, लोग इतनी ओपनली उसको भी डिस्कस नहीं करते हैं, तो इसलिए गरीब वर्ग में, निचले वर्ग में जाकर हम लोग वहाँ पर कैंप लगाते हैं और जागरूकता फैलाते हैं। क्लब की ओर से अब तक कितने बार एग्जीबिशन लगा चुके हैं आप लोग? क्लब की ओर से अभी हमारे 9 बार कर चुके हैं, ये हमारा 10वां साल है,
और ईश्वर की कृपा से हमारे हर बार नंबर बढ़ता जा रहा है। इस बार हमारे पास 84 स्टॉल्स हैं और जो विभिन्न शहरों से आए हैं, अजमेर से है, जयपुर से है, कोटा से, अहमदाबाद से है, विजयवाड़ा से है और भीलवाड़ा, विजयनगर, काफ़ी जगहों से। ये एग्जीबिशन कहाँ पे, किस जगह लगी है और उद्घाटन में कौन आया? ये विजयलक्ष्मी पार्क में लगी है, हर साल हम यहीं करते हैं। उद्घाटन विजयलक्ष्मी पार्क वालों का काफ़ी अच्छा सहयोग रहता है। उद्घाटन सत्र में कौन आया? और इनॉग्रेशन के लिए हमारे ही क्लब की सीनियर्स मेंबर्स जो हैं, जो डिस्ट्रिक्ट में जा चुके हैं, उनको PDCs बोलते हैं। क्या नाम है उनका? रीना अग्रवाल, कैलियोपी जैन और शशि भास्कर। इन तीनों के थ्रू और हमारी जो प्रेसिडेंट हैं इशिता कोठारी और सचिव हैं पूर्णिमा जी तोशनीवाल और मैं भावना बंसल, रीना अग्रवाल के संग हम लोगों ने ये कार्यभार संभाला।